कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा शिवराज सरकार ने की वादा खिलाफी। दिगंबर अखाड़ा से निष्कासित हुए कंप्यूटर बाबा, मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान जारी है। इस बीच जेल से बाहर आने के बाद फिर कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के खिलाफ संतों को लामबंद करने का अभियान चला रहे कंप्यूटर बाबा को दिगंबर अनी अखाड़े से बाहर कर दिया गया। उनके खिलाफ ये सख्त कदम इस आरोप के तहत उठाया गया है कि वो दलीय राजनीति में शामिल होकर संतों की गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं। साधु संतों की 13 प्रमुख अखाड़ों की शीर्ष संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने बताया कि हमारी अनुशंसा पर कंप्यूटर बाबा को दिगंबर अनी अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। वो संतों की गरिमा के एकदम विपरीत आचरण करते हुए राजनीतिक मैदान में कूद चुके हैं और अपने निजी फायदे के लिए कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे हैं। नरेंद्र गिरी ने बताया कि दिगंबर अनी अखाड़े के पंचों की उज्जैन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कंप्यूटर बाबा को वैष्णव संप्रदाय के संतों की इस प्रमुख धार्मिक संस्था से बाहर निकालने का औपचारिक फैसला किया गया। वहीं उधर बात करें दिगंबर अनी अखाड़े से अपने निष्कासन के बाद कंप्यूटर बाबा ने एक वीडियो बयान में कहा कि शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार मेरे खिलाफ चाहे जितने हथकंडे अपना ले, पर मैं नर्मदा नदी के पवित्र आंचल को दागदार नहीं होने दूंगा और गौ माता की दुर्दशा नहीं सहूंगा। मैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगे भी अडिग रहूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में संत समुदाय की उपेक्षा की जा रही है और उनके मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। बता दें कि कंप्यूटर बाबा का असली नाम नामदेव दास त्यागी है। वह मध्य प्रदेश में संतों की संस्था पट दर्शन साधु मंडल के प्रमुख है। सूबे के शिवराज सिंह चौहान नित बीजेपी की सरकार ने कंप्यूटर बाबा समेत 5 धार्मिक नेताओं को अप्रैल में राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन कंप्यूटर बाबा ने कुछ दिन पहले ये आरोप लगाते हुए इस दर्जे से इस्तीफा दिया था कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने खासकर नर्मदा को स्वच्छ रखने और इस नदी से अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के मामले में संत समुदाय से वादा खिलाफी की है। सत्य सटीक बेबाक।